हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायर जैसी शेप बनाती हुई नजर आ रही है। काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर इनकी यहां पर रहनी चाहिए, और जो इनकी फिंगर्स हैं काफी अच्छी लेंथ में दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं काफी लंबाई में है फिंगर्स, लगभग सभी फिंगर्स की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है, जो शो करती है काफी एनालिटिक टाइप की नेचर को। काफी एनालिसिस ये करते होंगे, काफी सोच विचार करने के बाद ही कोई नया काम शुरू करने की इनकी नेचर रहेगी। उसके अलावा काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर मैं देख पा रहा हूँ, जो यहाँ पर इनको एक सोबर और फ्रेंडली टाइप की नेचर दे रही है। लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर इस तरह की रेखाएं हैं, और इनकी शनि फिंगर की लेंथ सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लंबाई में सैटर्न फिंगर जो शो करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो गुरु फिंगर है और इनकी जो सूर्य फिंगर है, दोनों की जो लेंथ है लगभग एक समान नजर आ रही है। तो दोनों की क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी, काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके भीतर रहने वाली हैं। और ओवरऑल थिकनेस जो है यहाँ फिंगर्स की अच्छी एनर्जी स्टैमिना को शो कर रही है, काफी फ्रेंडली और सोबर नेचर, क्योंकि फिंगर्स के बीच में गैप्स बिल्कुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। और आप देख सकते हैं कि मर्करी फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो रही है साइज में, जो यहाँ पर इनके सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलन से काफी नीचे दिखाई दे रही है, और लो सेट भी, जिसकी वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर और थोड़ी शाई नेचर रहने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ तक हमने देखा फिंगर्स को, थिकनेस यहाँ पर फिंगर्स की अच्छी है जो एनर्जी लेवल के काफी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स की सेटिंग को, और यहाँ पर इनके जो माउंट्स है पर्टिकुलर हर एक माउंट इनके बारे में क्या क्या इंडिकेशन हमें देता है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जो शनि माउंट इनका काफी हाई सेट है और जो बृहस्पति है थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस भी रहते हैं। फैमिली की तरफ से सुख में थोड़ी सी कमी होने के चांसेस रहते हैं अगर बृहस्पति वीक हो जाए। और मर्करी माउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ, थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल बृहस्पति माउंट के ऊपर सीधी रेखाएं पहुंच रही हैं, जिनको हम लाइंस ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। कुछ इस तरह की लाइंस का यहाँ पर पहुंचना और हथेली में और भी प्रोग्रेस लाइंस का होना यहाँ पर शो करता है कि फाइनेंसिस की कमी नहीं रहेगी, लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस इनको मिलने वाली है, फाइनेंसिस जो इनके अच्छे रहने वाले हैं। और जो बृहस्पति माउंट का ट्रायरिडल है वो भी यहाँ पर सेंटर में बन रहा है। बेशक बृहस्पति माउंट यहाँ पर थोड़ा सा वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो त्रिकोण है जिसको हम अपेक्स कहते हैं किसी भी माउंट का, वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में बनता हुआ माउंट के, और इस एरिया में थोड़ा सा जो माउंट है वीक होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा शिफ्टेड शनि की तरफ, जिसकी वजह से वैराग्य की भावना भी लाइफ में रह सकती है। ओवरऑल यहाँ पर शनि माउंटेन का काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ यहाँ पर शनि माउंट, और शनि रेखा को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं शनि रेखा इनकी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, जो इनकी लाइफ लाइन से ही निकल कर आगे बढ़ रही है और अराउंड 36 के आसपास की एज से और भी स्ट्रांग होकर काफी ऊपर तक पहुंचती हुई एक शनि रेखा मैं देख पा रहा हूँ, जो शो करती है यहाँ पर काफी अच्छी किस्मत को फाइनेंसिस के मामले में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इनकी रेखा जो अराउंड 36 के आसपास की एज में थोड़ा सा चेंज शो कर रही है, और उसके बाद थोड़ी सी वेवी लाइन का होना यहाँ पर यह भी शो करता है कि थोड़ी स्ट्रगल जो है ज्यादा रहेगी पहले के मुकाबले। यहाँ पर यह एक फाइनेंसिस के लिए अच्छा चिन्ह भी माना जा सकता है, क्योंकि जिस एज में भी फेट लाइन थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी सी कर्व्ड होती है, उस एज में थोड़ी स्ट्रगल जरूर बढ़ जाती है, लेकिन फाइनेंसिस भी और ज्यादा अच्छे होने के चांसेस रहते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को,
तो यहाँ पर जो इनका सूर्य माउंट है काफी हाई सेट है, जिसकी वजह से सोसाइटी में अच्छा नेम एंड फेम यह ले सकते हैं, क्योंकि उभरा हुआ सूर्य माउंट और अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन सूर्य रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से नेम एंड फेम बहुत आसानी से नहीं मिल पाता, काफी स्ट्रगल रहती है लाइफ में। सूर्य रेखा बेशक थोड़ी वीक है, लेकिन सूर्य माउंट का अच्छा होना यहाँ पर इनको काफी क्रिएटिवनेस दे सकता है, काफी क्रिएटिव टाइप की क्वालिटीज इनके भीतर रह सकती हैं। मरकरी की बात की जाए तो हमने जैसे चेक किया था, मरकरी थोड़ा सा लो सेट है, जिसकी वजह से थोड़ी शाइनेस रहेगी, लेकिन बिजनेस एक्वमेन काफी अच्छा रहने वाला है इनका, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मरकरी लाइन काफी स्ट्रांग है और एक लंबी और क्लियर मरकरी लाइन यहाँ पर व्यक्ति को बिजनेस एक्वमेन देती है और मनी मैनेजमेंट करने की एक अच्छी व्यक्ति को समझ देती है, और काफी अच्छी यह मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बिजनेस अगर करना चाहें कोई भी, चाहे पार्ट टाइम बिजनेस ही क्यों ना करें, उसमें भी इनको काफी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर लाइन्स इनकी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही हैं, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग लाइन्स यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आगे अब देखते हैं इनकी मेजर लाइन्स को, तो यहाँ पर बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन यहाँ पर काफी अच्छे कर्व के साथ ओवरलैप होकर ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, जो एक इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी को दर्शाती है। तो यहाँ पर काफी केयरिंग नेचर भी रहेगी इनकी, काफी इमोशनल टाइप की नेचर भी रहेगी, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा डिप्रेसिव फील भी करवाती है, क्योंकि ओवर इमोशनल टाइप की पर्सनालिटी रहती है। जब पूरी तरह से लाइन मुड़कर ऊपर बृहस्पति माउंट और शनि माउंट के बीच तक पहुंच जाए, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं, काफी इमोशनल ये रह सकते हैं, और साथ ही साथ अग्रेशन भी रहता है। आप देख सकते हैं अगर कुछ इस तरह की रेखा नीचे की तरफ निकले मंगल माउंट की तरफ, यह जो एरिया रहता है मंगल माउंट का रहता है, अगर कोई भी लाइन हार्ट लाइन से निकलकर मंगल माउंट की तरफ बढ़ती है, तो व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव और चिड़चिड़ा भी हो सकता है। मंगल का प्रभाव हार्ट लाइन के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव रहता है। तो इस तरह की स्थिति में मंगल के उपाय करना, रेमेडीज करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के जो बुरे इफेक्ट हैं वो जाते रहते हैं। तो इन्हें भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार के दिन प्रसाद बांटना चाहिए, जिससे इनका जो अग्रेशन है कुछ हद तक कम हो सके और लाइफ जो है और स्मूथ चल सके। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर एंड डीप कट लाइन है, तो हार्ट की जो हेल्थ है वो इनकी यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। तो आगे बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, कुछ इस तरह से इनकी माइंड लाइन चलती हुई और हथेली के दूसरे सिरे तक पहुंचती हुई, जो यहाँ पर बहुत ही शार्प मेमोरी की तरफ इशारा करती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी अच्छी और लंबाई में माइंड लाइन हो और बहुत ज्यादा झुकी हुई माइंड लाइन ना हो, ऐसे व्यक्ति स्टडीज में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनकी जो याद करने की क्षमता होती है, याद रखने की कैपेसिटी होती है, वो नॉर्मल से ज्यादा होती है, और यही चीज कई बार प्रॉब्लमेटिक भी बन जाती है, जब व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को, सालों पुरानी बातें जो रहते हैं उनको भी नहीं भूल पाते, तो यह जो फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और इस तरह की परिस्थितियों का कारण भी बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबाई में लाइन का होना यानी काफी शार्प मेमोरी होना। तो यहाँ पर स्टडीज के लिए ये लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ओवरऑल माइंड की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा लंबी लाइन को मैं ज्यादा शुभ नहीं मानता। मीडियम साइज लाइन हो तो व्यक्ति मूव ऑन कर सकता है, पुरानी बातों को भूल सकता है और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन में यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस नजर आ रही हैं, जो बेवजह के तनाव व्यक्ति को दे सकती हैं। आप देख सकते हैं काफी अच्छी और लंबाई में इनकी लाइफ की लाइन, और इसको काटने वाली कुछ रेखाएं हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अलग अलग एजेस में यह लाइंस नजर आ रही हैं, जो कुछ टच हो रही हैं और कुछ क्रॉस कर जा रही हैं, तो ये सभी जो रेखाएं हैं यह हमें किसी ना किसी तरह का तनाव देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह सबसे लास्ट वाली लाइन में मैंने ड्रॉ किया, लगभग
40 के आसपास की एज में यह फॉर्मेशन बन रही है और इस एज में इन्हें काफी स्ट्रेस मिल सकता है, क्योंकि यह एक सबसे लंबी लाइन है और यह लाइन सीधी लाइफ लाइन को तो काट ही रही है, साथ साथ जो फेट लाइन है, जो भाग्य रेखा कहा जाता है, उसको भी टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ के लिए और पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को भी यह लाइन शो करती है। तो अराउंड 40 की एज में यह कुछ दिक्कतें इनको दे सकती है और इनकी जो लाइफ लाइन है वो भी बाहर की तरफ चलती हुई, जो यहाँ पर घर से दूर सेटल होने के चांसेस को भी दर्शाती है। आगे आप देख सकते हैं इनके माउंट्स को, जिस तरह से इनका चंद्रमा का माउंट है बहुत कम स्पेस उसको मिल पा रही है, जिसकी वजह से मून माउंट जो है वीक हो जाता है। एक अच्छी स्पेस में होना और उभरा हुआ किसी माउंट का होना बहुत अच्छा ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमने देखा इनका बृहस्पति माउंट है, शनि माउंट है, उभरे हुए हैं, उस तरह से चंद्रमा यहाँ पर मुझे वीक नजर आ रहा है और इस एरिया में आप देख सकते हैं थोड़ा सा दबता हुआ माउंट भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जैसी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी दिक्कतों का भी व्यक्ति को लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। आगे देख सकते हैं इनका जो माउंट है शुक्र माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है, एवरेज माउंट है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वरी लाइंस भी हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कुछ चिंताएं, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को हो सकती हैं, क्योंकि यह जो लाइंस हैं कोई भी यह लाइन इनकी लाइफ लाइन को ओवरऑल डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो यह जो चिंताएं रहती हैं ये कई बार हमारे माइंड में रहती हैं और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और जिस वजह से हमारी लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, कुछ बेवजह की चिंताएं इनको लाइफ में रह सकती हैं जिनका कोई वजूद ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, जैसे आप ये देख सकते हैं इनकी फेट लाइन को अटैच होती हुई, इनकी भाग्य रेखा को अटैच होती है चंद्रमा से आने वाली रेखा, जो यहाँ पर काफी अच्छे फल देती है। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट रहती है, भारी सपोर्ट मिलती है, इन लॉस की तरफ से भी व्यक्ति को सपोर्ट मिलती है। तो यह कुछ अच्छे चिन्ह हैं, कुछ अच्छी लाइंस इनके हाथ में हमने देखी और कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी इनकी लाइफ में रह सकती हैं। ओवरऑल मिली जुली जो फल हैं उनको लाइन से मिलने वाले हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे WhatsApp पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।